स्वदेश में बने पहले लड़ाकू विमान तेजस के नेवल वर्जन को भारतीय नौसेना ने रिजेक्ट कर दिया है। नौसेना ने इसकी वजह बताई है तेजस के वजन को। नौसेना का कहना है कि ओवरवेट होने की वजह से इस फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में कठिनाई हो रही है। अधिक वजन होने को तेजस की तैनाती नहीं करने की एक वजह करार देते हुए नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि नौसेना एक वैकल्पिक विमान को लेकर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, जहां तक विमानवाहक पोत आधारित विमान की बात है तो हमें विमानवाहक पोत को शामिल करने के लिए समय चाहिए। हमारे पास MiG-29K है जो विक्रमादित्य से प्रचालित होता है और ISC विक्रांत से प्रचालित होगा। हम अपने दो विमानवाहक पोतों से हल्के लड़ाकू विमान के प्रचालित होने की उम्मीद करते हैं। गौरतलब है कि तेजस भारत में बना अब तक का सबसे खौफनाक लड़ाकू विमान है और पूरे विधि विधान के साथ भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। बेंगलुरु के एयरबेस में भारतीय वायुसेना के आला अफसरों की मौजूदगी में नारियल फोड़कर तेजस का गृह प्रवेश कराया गया। NMF न्यूज की रिपोर्ट।